अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, फ्राइड राइस की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बनने वाली है और बहुत ही डिलीशियस बनेगी और अमेजिंग इसका टेस्ट होगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है, इसको थोड़ी देर गर्म करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। लहसुन का पेस्ट को थोड़ी देर पकाएंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे कैरेट यानी गाजर। दो मैंने गाजर ली थी, उन दोनों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है लंबी शेप में। और इस शेप में अगर आप फ्राइड राइस में अगर आप इस शेप की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अगर आप वेजिटेबल्स की शेप अच्छे रखेंगे तो बच्चे इसको तो 10 मिनट हो चुके हैं और चावल भी अच्छे से गल चुके हैं, बन चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही थी। और अगर आपको चाइनीज़ खाने पसंद हैं तो आपके लिए ये रेसिपी बेस्ट है, ठीक है। इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करी हूँ स्प्रिंग ऑनियन। अगर आपको मेरी चाइनीज़ रेसिपी और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहां से इन रेसिपीज़ को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।